हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कनाडा की मौज। अरे कई सारे दोस्तों ने कहा कि पिज़्ज़ा कनाडा में कैसे बनता है वो दिखाओ, तो आज का पूरा वीडियो पिज़्ज़ा के बारे में है, तो आप एंड तक बने रहिए। और मिलिए हमारे पिज़्ज़ा एक्सपर्ट रक्षित करकर से। सबसे पहले बनाएंगे पिज़्ज़ा डो। उसके लिए चाहिए ऑल पर्पस फ्लावर और यीस्ट। तो यीस्ट को एक्टिव करने के लिए हमने लिया है वार्म वाटर। उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून शुगर और 1.5 टीस्पून ऑफ यीस्ट। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 5 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है। और ये अच्छे से एक्टिव हो गया है। हमने ऑल पर्पस आटे में सॉल्ट डाला हुआ है। अब इसमें यीस्ट का पानी जो मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्स करके डो बना देंगे। तो आपने देखा कि काफ़ी मेहनत के बाद हमारा डो ऑलमोस्ट रेडी है। अब उसको हम कट कर रहे हैं 2 पीसेस में, ताकि 2 पिज़्ज़ा हम बना सकें। अब डो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है अपने शेप पे। उसको हम ढक लेंगे और उसको रहने देना पड़ेगा 4 से 5 घंटे तक। अब देख सकते हैं डो की साइज ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है।
पिज़्ज़ा में होल करना ज़रूरी है, अगर नहीं किया तो बबल हो जाते हैं। रेस्टोरेंट के पास रोलर्स होते हैं जिससे वो होल्स करते हैं पिज़्ज़ा में, बट हमारे पास नहीं था तो हमने जुगाड़ करके यूज़ किया फोर्क। और ये रेडी हो गया है हमारा पिज्ज़ा ओवन में जाने के लिए। हमारा सेकंड पिज्ज़ा भी रेडी है विथ एक्स्ट्रा चीज। नीचे वाला हो गया भैया जी हमारा। मटर पिज्जा रेडी हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।